हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है वैसे ही, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस रूट पे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मा 7 सेमेस्टर में नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें हम लोग इसको कम्प्लीट ही कवर करने वाले हैं। तो आज इस सब्जेक्ट की जो है वो हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। तो आज हम लोग देखेंगे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन, क्या होता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फिर आगे इस वीडियो अगली जो आने वाली वीडियो है उनमें इसको कम्प्लीट कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, जो हमारा ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये दो सबसे मिलकर बना हुआ है। पहला है हमारा नोवल, जिसका मतलब होता है स्पेशल। सेकंड जो इसका वर्ड है वो है ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग डिलीवरी सिस्टम का बेसिक मतलब होता है किसी भी मेडिसिन को किसी व्यक्ति की में एडमिनिस्टर करवाना, या जो भी पूरा प्रोसेस होता है किसी व्यक्ति को कोई भी मेडिसिन को देने का, उसके अंदर कैसे वो वर्क करेगी, वो होता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल मतलब होता है स्पेशल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक स्पेशल टाइप का ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जिसमें कि हम किसी भी पेशेंट को नॉर्मल जो हमारा मेथड होता है उसके अलावा किसी और मेथड से मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो द सिस्टम बाय विच ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू बॉडी थ्रू डिफरेंट रूट्स, दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल मेथड एंड ट्रेडिशनल मेथड्स। तो हमारे जो हैं बेसिकली दो तरह के ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, जिसमें कि हम लोगों को देखना है कन्वेंशनल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। तो इसका मतलब सिंपल यही है, जो भी मेथड जिन मेथड्स के जरिए हम मेडिसिन को इंट्रोड्यूस हमारी बॉडी में करवाया जाता है उनको बोला जाता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और इस जो हमारा सिंपल जो सिस्टम होता है उसे हम दो नाम देते हैं, एक कन्वेंशनल मेथड एक ट्रेडिशनल मेथड, जो भी हमारा नॉर्मल मेथड है। अब हमारा जो नॉर्मल मेथड होता है कन्वेंशनल मेथड, उसमें हम लोग क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं ड्रग को, फिर वो हमारी बॉडी में जाकर डिसइंटीग्रेट होता है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है। ये मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों को ऐसा क्या करना पड़ा कि हमें जो है ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम लाना पड़ा। तो इसमें क्या होता है कि कन्वेंशनल मेथड के कुछ हमारे डिसएडवांटेज थे, जिसकी वजह से हमें नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो डिसएडवांटेज ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वो है, सबसे पहला है कि दे आर रिक्वायर्ड टू यूज़ रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल। जैसे कि आप समझिए, अगर आपको कोई डिजीज़ होती है तो उसमें आपको डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है, वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको लेने को बोला जाता है, जैसे सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, और वो जब तक आपकी मेडिसिन लेनी होती है जब तक आपकी वो डिजीज़ ठीक नहीं हो जाती है। और अगर आप उसमें गैप कर देते हैं मेडिसिन लेने में, तो आपकी जो है मेडिसिन की एफिकेसी लो हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो है लेट क्योर होंगे। फिर कन्वेंशनल मेथड का जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो है लो बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का बेसिक मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी ड्रग आपकी बॉडी में अगर एडमिनिस्ट्रेट की गई है तो उसका कितना परसेंट आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच पाया। जैसे कि कोई भी मेडिसिन अगर हम ओरल रूट से लेते हैं तो वो कम वर्क करती है, मस्कुलर रूट से लेते हैं तो वो थोड़ा और बेहतर करती है, जब कोई भी मेडिसिन आईवी रूट से ली जाती है तो उसका 100% बायो अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो हम लोग जो हैं कन्वेंशनल मेथड जो होते हैं इसमें लो बायो अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि काफ़ी सारा हमारा जो ड्रग होता है वो वेस्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को देखना है कन्वेंशनल मेथड में हम लोगों को कुछ एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। फिर डोज फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। फ्रीक्वेंसी मैंने जैसा कि आपको फर्स्ट डिसएडवांटेज में बताया ही था कि हमको ये बार बार लेनी पड़ती है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी में लेनी पड़ती है। फिर अगला जो डिसएडवांटेज है वो है कैन नॉट बी गिवन टू फिक्स टारगेट ऑर्गेन्स, मतलब जैसे कि आप इसमें अपना ऑर्गेन को टारगेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर ये दवा आप अपने लीवर तक पहुंचानी है, लीवर तो चलो पहुंच जाएगा, जैसे आपको अगर कोई भी फिक्स ऑर्गेन है आपका, आपको ये दवा वहाँ तक पहुँचानी है, तो हो सकती ये क्या करेगी आपके स्टमक में आएगी, फिर काफ़ी जगह से होके ये गुजरेगी, तो ये पहले ही काफ़ी जो है मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी क्योंकि इसका डिसइंटीग्रेशन होता है। अब आइए देखते हैं, अब हमारी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आखिर रह गया क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, ये तो हमने पहले देख ही लिया। तो हमारा क्या है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में NDDS बोलेंगे। तो इसकी हमें इंपॉर्टेंस क्यों पड़ी, टू ओवरकम प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड NDDS इंट्रोड्यूस्ड, मतलब जो भी हमें कन्वेंशनल मेथड से प्रॉब्लम्स हो रही थी उन सबको ख़त्म करने के लिए हमें नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। उसके बाद एम जो हैं इसके वो हैं, आखिर हमने इसके क्या एम रखे हैं, इसके एम है टू प्रोवाइड थेराप्यूटिक इफेक्ट टू टारगेट साइट, मतलब कि थेराप्यूटिक इफेक्ट उसी साइट पे करना है हमको जिसकी हमें रिक्वायर्ड है। जैसे कि अक्सर मेडिसिन होता है होती है हमारी जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं,
अगर आपको कहीं पे चोट लगी है तो वो जो जख्म सुखाने की दवा दी जाती है वो पूरी बॉडी पे वर्क करती है, बट यहाँ पे क्या है कि ये स्पेसिफिक लोकेशन पे ही, साइड पे ही वर्क करेगी। उसके बाद मिनिमाइज साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके, फिर डोज की फ्रिक्वेंसी को भी कम किया जा सके। अच्छा, इन मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रोल होता है, आगे मैं वीडियो में बताऊँगा। ये मेडिसिन एक बार अगर आप ले लेते हैं ना तो फिर ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल आप एक बार यूज़ इसे ले लेंगे, इंटेक कर लेंगे, फिर कई महीनों तक आपको ये लेनी नहीं पड़ेगी, बहुत लंबे टाइम के बाद आपको ये लेनी होती है। इसी के कारण इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। वो क्यों होती है आगे देखते हैं। असल बात, जो हमारे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं उसमें जो होता है ये एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक, एक कोटिंग होती है, उसके अंदर आपकी जो है ड्रग फिलअप होती है। तो जब भी वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराई जाती है, पहले तो क्या होता है कि ये जो कोटिंग होती है इसको हटाया जाता है, उसके बाद जो है ये हमारी ड्रग जो है ये डिसॉल्व होती है। तो जब वो ड्रग डिसॉल्व होती है तब वर्क होता है। और इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है हमारी बॉडी में, जैसे ये ड्रग इस टाइप की है तो सबसे पहले जो है बाहर की कोटिंग डिसॉल्व होगी, तो बाहर वाली ड्रग होगी। जब पूरी ही ये बाहर वाली डिसॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद नंबर आएगा ये थोड़ी सी अंदर वाली का, फिर ये पूरी ही अंदर वाली डिसॉल्व होगी। जब ये पूरी ही अंदर वाली डिसॉल्व होगी तो उसके बाद फिर सबसे अंदर वाली ड्रग डिसॉल्व होगी, और फिर ये स्पेसिफिक कोटिंग के अंदर दी जाती है। ये जो कोटिंग है, इस कोटिंग को डिसॉल्व होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये होता है यहाँ पे, और इसका अरेंजमेंट काफ़ी अलग अलग टाइप से दे रखा है। मैंने दो टाइप की आपको एग्जांपल, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। अब नीचे वाले केस में अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, पहले ये आउटर कवरिंग डिसॉल्व होगी, ठीक है, फिर ये इनर कवरिंग डिसॉल्व होगी, फिर ये इनर, ऐसे करके डिसॉल्व होती हैं। तो ये है हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब बात करते हैं हम इसमें एडवांटेज हमको क्या क्या मिलते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला हमने देखा ही है कि नो साइड इफ़ेक्ट्स है, फिर ये हमारे टारगेट ऑर्गन पे वर्क करता है, फिर इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हमारा जो ड्रग है वो वेस्ट नहीं होता है। उसके बाद स्लो रिलीज ऑफ ड्रग जो होता है, तो इसकी वजह से हमको कोई भी इसका एलर्जिक रिएक्शन वगैरह देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी लो हो जाती है। अब आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि अगर आपने कोई भी इंजेक्शन के रूप में मेडिसिन ली है तो वो आपके हार्ट तक एकदम पहुंच जाएगी, और वहाँ पे एकदम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचने के बाद अगर वो कोई रिएक्शन देती है तो बहुत फास्ट हो जाएगा। बट हमारे NDDS में ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, स्लो रिलीज ऑफ ड्रग होता है, इसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी हमको नहीं देखने को मिलती है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ NDDS कितने टाइप्स के होते हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पूरे 7 सेमेस्टर के सारे चैप्टर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, टोटल ऑल 4 सब्जेक्ट को, और इसकी जो PDF है इस नोट्स की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स का ये NDDS सिस्टम होता है। बेसिकली हम लोग ये बारी बारी करके अलग अलग चैप्टर्स के रूप में पढ़ेंगे, बट मैं आपको टोटल यहाँ पे बता देता हूँ, हमारे 8 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टारगेट रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फिर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फिर गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फिर है ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फिर इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जो ये पूरे ही हमारे नोट्स हैं इसकी आपको PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो तो आप इसे जो है कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।